हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अमन मार्टिन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6B का पहला क्वेश्चन है 13 + 2y = 9x एंड 3y = 7x। इनको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां हम लोग को बोला गया है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग को मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं पहला इक्वेशन में हम लोग का 2y लेफ्ट हैंड साइड में है, वैसे ही दूसरा इक्वेशन में हम लोग का 3y भी लेफ्ट हैंड साइड में है, और पहला इक्वेशन में हम लोग का 9x राइट हैंड साइड में है और दूसरा इक्वेशन में हम लोग का 7x राइट हैंड साइड में है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को जस्ट क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट को इक्वल करना या फिर x का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो हम लोग यहाँ y का कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। इसका मतलब है दोनों ही इक्वेशन में हम लोग का y का कोएफिशिएंट को 6 बना के इक्वल करना है। तो 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही 3 का टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग Equation 1/3 एंड Equation 2/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। अच्छा, हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर y का कोएफिशिएंट का दोनों का साइन क्या है, सेम है। अगर साइन डिफरेंट रहता तो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। तो पहला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3 × 13 = 39 प्लस 3 × 2y हो जाएगा 6y = 3 × 9x हो जाएगा 27x। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2 × 3y 6y = 2 × 7x हो जाएगा 14x। हम लोग यहां सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -6y और ये हो जाएगा -14x। 39 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो जस्ट 39 नीचे कॉपी हो जाएगा, 6y - 6y 0 हो गया, = 27x - 14x हो जाएगा 13x। 13 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो हो जाएगा 39/13 = x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, तो x = 3। यहां हम लोग का x का वैल्यू निकल गया है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 है हम लोग का 3y = 7x, ये हो जाएगा 3y = 7 इंटू x का वैल्यू है 3, y = 7 × 3/3। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3, y = 7, therefore x = 3 and y = 7, this is your solution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x - y = 23 एंड x/3 + y/4 = 4। इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां पर हम लोग दोनों ही इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट को 1 बना के इक्वल कर रहे हैं, तो यहां देख सकते हैं इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग को कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है 1/4, तो इसमें अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां देख सकते हैं 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हम लोग इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, यहां देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट का साइन अलग अलग है, तो यहां पर हम लोग को ऐड करना होगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2/4 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है हम लोग का 3x - y = 23। इक्वेशन 2 में 4 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4 × x/3 हो जाएगा 4x/3 प्लस 4 × y/4 हो जाएगा y = 4 × 4 हो जाएगा 16। किसी को भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं। 3x का डिनोमिनेटर है 1, तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से 3 3 टाइम्स, तो 3 × 3x हो जाएगा 9x प्लस 3 से 3 1 टाइम्स, तो 1 × 4x हो जाएगा 4x। यहां पर माइनस वाई प्लस वाई सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा = 23 + 16 हो जाएगा 39। 9x + 4x हो जाएगा 13x/3 = 39। यहां पर हम लोग 13/3 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो हो जाएगा x = 39 × 3/13। यहां पर 39 और 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, तो x = 3 × 3 = 9। यहां हम लोग का x का वैल्यू निकल गया है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 9 in equation 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है हम लोग का 3x - y = 23, तो हो जाएगा 3 × x का वैल्यू है 9 - y = 23, 3 × 9 हो जाएगा 27 - y = 23, -y = 23 - 27 हो जाएगा -4। यहां पर माइनस वाई है, इसका मतलब -1 × y है, तो y = -4/-1 हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों -1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 × 1 = 1, 1 × 4 = 4, y = 4। Therefore, x = 9 and y = 4, this is your solution, ठीक है।